एक बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर कैलकाटा में एक प्रेस रिपोर्टर के साथ बैठे हुए थे। इस स्कूल की स्थापना उन्होंने स्वयं की थी। तभी वहां उनका एक स्टूडेंट आया और उसने एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग को उसने गुरुदेव को दिखाया और कहा, गुरुदेव देखिए ये पेंटिंग कैसी लग रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस पेंटिंग को देखा और बगैर कोई एक्सप्रेशन दिए उन्होंने कहा कि ये कोई खास नहीं है, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। और ये कहते हुए गुरुदेव ने उस पेंटिंग को फाड़ दिया और उस छात्र से कहा कि जाओ जाकर इससे बेहतर दूसरी पेंटिंग बनाकर लाओ, तब मुझे दिखाना। वहां बैठा प्रेस रिपोर्टर हैरान परेशान हतप्रभ था। स्टूडेंट के जाने के बाद उसने कहा कि गुरुदेव, जो पेंटिंग वो बनाकर लाया था वो अच्छी तो थी, फिर आपने उसे फाड़ क्यों दिया? वो पेंटिंग तो इतनी भी बुरी नहीं थी कि उसे फाड़ के फेंक दिया जाए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मैंने ये पेंटिंग इसलिए नहीं फाड़ी कि ये पेंटिंग अच्छी या बुरी थी। मैं इस स्टूडेंट को जानता हूं और मैं जानता हूं कि इस स्टूडेंट की जितनी पोटेंशियल है उसके हिसाब से ये पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। इसने अपनी पूरी पोटेंशियल, पूरी कैपेसिटी इस पेंटिंग को बनाने में नहीं लगाई और मैंने इसीलिए इस पेंटिंग को फाड़ा ताकि यह और बेहतर कर सके। अगर मैं आज इसी पेंटिंग को एंडोर्स कर देता, शाबाशी दे देता तो यही रुक जाता, लेकिन तुम देखना अगली बार जब वो पेंटिंग बनाकर लाएगा तो इससे भी कहीं बेहतर पेंटिंग बनाकर लाएगा। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप अपनी पोटेंशियल का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? अगर आपका जवाब यस है तो लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग। सारी समस्या इसी बात की है कि हम जो कर रहे हैं, हम जैसा करते हैं, हम समझते हैं कि यही मेरा मैक्सिमम है, मैं अपना सब कुछ दे रहा हूं, 100% दे रहा हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। यही थॉट गलत है। आप जो कर रहे हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप उससे बेहतर कर सकते हो। बात करते करते मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया 1999 का। मैं एक क्रिकेट मैच खेल रहा था, एक टूर्नामेंट था जिसमें मैं बैटिंग कर रहा था। आखिरी ओवर, आखिरी बॉल, मैं स्ट्राइक पर था। जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी उस आखिरी बॉल पर। मैं दुबला पतला छोटा सा एक लड़का और मेरे सामने एक लंबे कद के मिश्रा जी बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी बॉल फेंकी और मैंने पूरे दम से उस पर बैट घुमाया और गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए चली गई और हम मैच जीत गए। मेरा मैच जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अपनी क्रिकेट के 7-8 साल के करियर में मेरा वो पहला छक्का था, फर्स्ट सिक्स आई हैव एवर स्कोर्ड इन अ मैच और इवन इन अ प्रैक्टिस, और वो भी तब जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसका मतलब है जब हम इमरजेंसी पोजीशन में होते हैं, इमरजेंसी के हालात में होते हैं, तो हमारी कैपेसिटी, हमारी पोटेंशियल बढ़ जाती है। यही तो आपको करना है, यही तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अब तक जो करते आए, जो आप समझते रहे कि यही आपकी क्षमता है, यही आपकी लिमिट है, आप उससे आगे जा सकते हो, उससे ऊपर जा सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो। पूरी दुनिया में 95% लोग जितना एफर्ट कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये मेरा बेस्ट एफर्ट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, वो रिजल्ट से सेटिस्फाई हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो अपने एफर्ट से जरूर सेटिस्फाइड है। और यही अपॉर्चुनिटी है, यही आपके लिए एक अवसर है, यही एक मौका है उस 5% के क्लब में जाने का। अगर आपने अपने माइंड को यह समझाने में सफलता हासिल कर ली कि यू कैन डू बेटर, यू कैन डू मच बेटर, तो यकीन मानिए आप डे बाय डे बेटर होते चले जाएंगे। 95% वाले लोग वहीं रह जाएंगे और आप उस भीड़ से निकलकर 5% के क्लब में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप और बेहतर कर सकते हैं, ये यकीन आपको अपने आप को दिलाना होगा। और एक बार आपके दिमाग ने इस बात को मान लिया तो आप निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे और डे बाय डे बेहतर होते चले जाएंगे। हमेशा याद रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए पुश योरसेल्फ हार्ड टू ग्रो मोर एंड मोर इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। रिबूटिंग माइंड्स के माध्यम से मेरा यही मिशन है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फैला सकूं। लेकिन मेरा यह मिशन आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।